राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 5 फरवरी को अनुमंडल कार्यालय चकिया के समक्ष अपने 4-5 मांगों को लेकर के हमारी पार्टी धरने पर बैठने वाली है, जिसका मुख्य विषय है शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार के लिए सरकार ने 2002 में एक कानून बनाया कि प्रत्येक विद्यालय में, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रत्येक में, प्रत्येक शनिवार को विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावकों के बीच में गोष्ठी हो। यह कानून करीब 17-18 साल पहले बना। 15 दिन पर बाल संसद की बैठक होगी। महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय कार्यकारिणी की बैठक होगी। यह तीनों विषय आज भी जमीन पर नहीं पहुंचा, जबकि नीतीश कुमार जी लगातार 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और यह नहीं होने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई और सरकारी विद्यालय बंद होने के कगार पर है। इसलिए इन्हीं के बनाए हुए नियम लागू नहीं हो रहा है, इसलिए हम बैठेंगे धरना पर कि आप जो है इस नियमावली को लागू करिए, समय रहते, चूँकि शिक्षा व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। तब दूसरा मेरा विषय है मनरेगा। मनरेगा में मजदूरों को पलायन रोकने के लिए भारत की सरकार ने एक कानून लाया कि जिस मजदूरों को हम रोजगार नहीं देंगे, यानी 365 दिन में 100 दिन की रोजगार की गारंटी करते हैं। बड़ी खुशी हुई, लेकिन स्थिति ये है कि आप रोजगार नहीं देंगे तो भारत की सरकार ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो आज भी एक भी मजदूरों को जानकारी ही नहीं है, आप बता ही नहीं रहे आपके रोजगार सेवक। इसलिए मेरा एक डिमांड है कि आप जो है प्रत्येक पंचायत के रोजगार सेवक को निर्देश दें कि वहाँ एक रजिस्टर रखें, पहले आओ पहले पाओ, यानी जो मजदूर आवेदन देगा हम उसी को काम देंगे। इसलिए एक मेला का आयोजन रोजगार सेवक लोग करें, ये मेरा डिमांड होगा, हम बैठेंगे उस दिन। तीसरी विषय है कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक आशा जगी उन व्यवसायियों को जो देश के 7.5 करोड़ फुटपाथ पर अपने जिंदगी को जीते हैं, ठेला पर पकौड़ा बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, आपको दर्जी का काम करते हैं, मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, ट्रैक्टर का मिस्त्री है, यानी छोटी छोटी जो दुकानदार हैं उनको ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना बिना गारंटी के आपने 10,000 से 10 लाख का वादा किया। मेरा कहना है कि चंपारण ही में किसी भी जगह से आप बताइए कि किस फुटपाथी दुकानदारों को आपने लोन दिया, आपने सभी बड़े व्यवसायियों को पैसा दे दिया। इसलिए मेरा स्पष्ट आप पर हमला है, ये सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से आप छोटे छोटे व्यवसायियों को ऋण दीजिए, ये हमारी डिमांड होगी, इसको आप लागू करें। इसलिए सीओ साहब को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इस सभी योजनाओं के ऊपर आप ध्यान दीजिए। एक अंतिम विषय आपको बताता हूँ, बड़ा लाजवाब है। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में नीतीश कुमार जी ने 93 एक्ट को बदल करके एक नया लाए, उसमें एक प्रावधान धारा 20(4) में उन्होंने किया था कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत के सभी विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी बीडीओ को निर्देश दे दिया कि इस काम को आपको नहीं करना है। आपको पंचायती राज 2001 से आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धारा 20(4) अभी तक नहीं दिखा, इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार है। ये मंत्री लोगों को, अफसर लोगों का लूटने का एक जरिया है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस दिन धारा 20(4) जमीन पर लागू हो जाएगी 80% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो यदि एसडीओ साहब भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 20(4) को आप लागू करिए, ये भ्रष्टाचार निश्चित।